दोस्तों, आप सभी में से बहुत लोगों ने एयरक्राफ्ट में ट्रैवल तो किए ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर पा रही है? हाँ, आप लोगों में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि वहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट कैरी करते हैं, इसके वजह से कूलिंग होता होगा, लेकिन असल में वैसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअली में कूलिंग इफेक्ट कुछ और ही वजह से हमें मुमकिन हो पा रहा है। अगर हम लोग लिक्विड रेफ्रिजरेंट वहाँ पर एयरक्राफ्ट में यूज किएंगे करेंगे तो फिर एयरक्राफ्ट को जो वेट है वो बहुत बढ़ जाएगी। ओके, सो एयर को ही आज रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट में टू प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। ओके, तो एयर क्या करता है, एंटर करता है एयरक्राफ्ट में, फिर कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर में उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वो हीट एक्सचेंजर में जाता है। ओके, हीट एक्सचेंज करता है राम एयर के साथ, फिर वो कूलिंग टर्बाइन में जाता है, कूलिंग टर्बाइन में उसका प्रेशर टेम्परेचर घट जाता है और वही एयर केबिन में भेजा जाता है दोस्तों। ओके।